जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि एक फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट होने के नतीजे में एक की मौत हुई है और जबकि 4 से 5 के करीब लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस इस समय बड़ी ब्राह्मणा पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार फिलहाल अभी जो है वो बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा दुखद तस्वीरें नवरात्रों के बीच जो है वो ये देखने को मिली है। यहां पर जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये कहीं का सस्पिशियस ब्लास्ट हुआ है और जिसके नतीजे में लगभग एक के करीब जो है वो शख्स की मौत बताई जा रही है जबकि 4 से 5 के करीब लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस समय की जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा, आपको बता दे चले कि जो स्क्रैप फैक्ट्री है वहां से सामने आ रही है। यहाँ पर एक जो है वो सस्पिशियस ब्लास्ट होता है और जिसके नतीजे में 4 से 5 लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा जख्मी हुए हैं जबकि ये कहें कि एक की जो है वो अभी फिलहाल मौत जो है वो बताई जा रही है। काफी दुखद वाक्य इस समय ठीक जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में फैक्ट्री से सामने आया। यहाँ पर आपको बता दे चले कि बड़ी ब्राह्मणा फैक्ट्री के अंदर जो है वो ब्लास्ट होने के नतीजे में एक की जो है वो मौत हुई है और 4 से 5 लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। माता रानी से ये सब दुआ करें आप सब लोग भी कि जो भी लोग इस ब्लास्ट में जो है वो जख्मी हुए हैं वो जो है वो ठीक हो जाए। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर से बता दे चले, जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में कायम एक स्क्रैप फैक्ट्री सुभाष गुप्ता एंड सन्स की है और ये काला गेट बड़ी ब्राह्मणा में कायम है। यहाँ पर अचानक जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसके नतीजे में एक शख्स की जो है वो इसमें मौत बताई जा रही है जबकि 4 लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं और साथ साथ 5वां जो है वो एक काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है जिसे फिलहाल नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज जो है वो इस समय किया जा रहा है। दुखद खबर एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो एक बड़ा ब्लास्ट जो है बड़ी ब्राह्मणा में काला गेट बड़ी ब्राह्मणा में एक स्क्रैप फैक्ट्री के अंदर जो है वो देखने को मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस इस समय मौके पर पहुंची है और लगातार बचाव कार्य इस समय यहां पर किया जाता हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता रानी से आप सब लोग भी ये दुआ जरूर करें कि जो भी ये इसमें जो है वो कोई और नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। फिलहाल जो अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक की मौत हो गई है और जबकि 5 लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं जिसमें से एक की हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा काला गेट का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक स्क्रैप फैक्ट्री जो कि सुभाष गुप्ता एंड सन्स की थी, इनकी जो है फैक्ट्री में यहाँ पर अचानक एक ब्लास्ट होता है और जिसमें एक की जो है वो मौत हो गई है जबकि 4 से 5 के करीब लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं और एक की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। माता रानी से, वाहेगुरु से, अल्लाह के आगे आप सब लोग भी ये दुआ कीजिएगा जो भी लोग इस ब्लास्ट में जो है वो जख्मी हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके और कोई नुकसान जो है वो इसमें देखने को ना मिले। हालांकि ब्लास्ट होने की क्या कुछ वजह है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, एक जान से जुड़ा मामला रहेगा। लेकिन बड़ी ब्राह्मणा पुलिस इस समय यहां पर इस काला गेट बड़ी ब्राह्मणा के पास जो फैक्ट्री है स्क्रैप फैक्ट्री यहां पर पहुंची और मामले की जांच यहां पर की जा रही है कि आखिरकार ब्लास्ट जो है वो होने की क्या कुछ वजह है। फिलहाल देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।